हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस लेसन नंबर 12, सब्सिडरी बुक्स, पार्ट नंबर फर्स्ट, रिवीजन। डियर स्टूडेंट, देखिए सब्सिडरी बुक्स, यहाँ पर प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने कैश बुक पढ़ा था और कैश बुक एक प्रिंसिपल बुक थी, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बुक थी। सब्सिडरी बुक्स आखिर क्यों बनाई जाती है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, सुनिए ध्यान से। जब एक बिजनेस, हमने कहा था कि स्मॉल स्केल्स के ऊपर होता है, वो केवल जर्नल से ही अपना काम चलाता है, लेकिन जब ट्रांजैक्शन ज़्यादा होती है, बिजनेस ऊंचाइयों की तरफ जाता है और हम ये कह सकते हैं ग्रोइंग की तरफ बढ़ता है, तो जब हम कह सकते हैं एक लार्ज स्केल बिजनेस होता है, तो वहाँ पर हमें बहुत सी बुक्स बनानी पड़ती है जिसके अंदर अकॉर्डिंग टू जर्नल से, और वो बुक्स बनती है हमारे प्रिंसिपल्स बुक होती है कैश बुक, और उसके बाद सब्सिडरी बुक्स में। आज देखिए डियर स्टूडेंट्स क्या है, सबसे पहले है परचेज बुक। सेकेंड है सेल बुक, थर्ड है परचेज रिटर्न बुक, फोर्थ है सेल रिटर्न बुक, और फिफ्थ है जर्नल प्रॉपर। मैंने वहाँ दिन भी चर्चा की थी कि जो किसी एक प्रॉपर प्लेस पर नहीं आती, वो जर्नल प्रॉपर में होती है, जिसका एक प्रॉपर हेड नहीं होता है। हमारे यहाँ पर ये चार बुक्स हैं, एक बुक हम पढ़ चुके हैं, दो वी पार्ट्स के अंदर हमारा ये लेसन कंप्लीट होगा सब्सिडरी बुक्स का। आज मैं इसके बारे में चर्चा करूँगा, परचेज बुक और सेल्स बुक। कल हम करेंगे परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न के बारे में, और फिर ये लेसन कंप्लीटेड। तो डियर स्टूडेंट्स, परचेज बुक में क्या क्या दिखाया जाता है और परचेज बुक कैसे बनाई जाती है, चलिए हम आते हैं परचेज बुक में क्या दिखाया जाता है। नोटेड दो बातें विशेष ध्यान रखना, परचेज बुक में कैश परचेज को नहीं दिखाया जाएगा, कैश परचेज को परचेज बुक में नहीं दिखाया जाएगा। दूसरे, कोई भी एसेट्स अगर आपने खरीदी हैं उसको नहीं दिखाया जाएगा। तो परचेज बुक में केवल जो गुड्स आप खरीदते हैं, जिनको बेचने के लिए, उनको केवल यहाँ शो करते हैं, और ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन, केवल उधार हम दिखाते हैं, नगद को हम परचेज बुक में शो नहीं करेंगे। चलिए अब इसका फॉर्मेट, फॉर्मेट में हमने 10 कॉलम्स बनाने हैं, 10 कॉलम हम बनाएंगे, और उन कॉलम्स के अंदर हम लिखते हैं क्या क्या, देखिए प्लीज, फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक। तो देखिए व्हाट इज द फॉर्मेट, फिर हम एक क्वेश्चन लेंगे इसका। फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक, हियर इज द फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक। सबसे पहले डेट, आपने किस डेट को माल खरीदा है। नंबर टू, नेम ऑफ द सप्लायर, उस सप्लायर का नाम जिससे आप माल ले रहे हैं, और उस सप्लायर के नाम के ऊपर हम लिखेंगे अकाउंट्स टू बी क्रेडिटेड, अकाउंट्स टू बी क्रेडिटेड, जिसका अकाउंट क्रेडिटेड किया जाएगा, जिसे उधार आपने माल खरीदा है। ओके, उसके बाद इनवॉइस नंबर LF, ये इनवॉइस नंबर जो बिल आप काटते हैं, जो आपको मिलेगा। फिर उसके बाद LF, लेजर पोलियो प्रश संख्या, LF की संख्या होगी। उसके बाद डिटेल्स, आपने क्या क्या खरीदा उसकी डिटेल्स होगी यहाँ पर। डिटेल्स के बाद क्या होगा, हमारे पास GST लगती है, हम GST जो लगाएंगे वो देखिए क्या क्या माल खरीदा था, परचेज किया था, इसमें GST 1, 2, 3 और उसके बाद टोटल। CGST, SGST, IGST एंड टोटल।
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कॉलम्स बनेंगे जो आपके सामने फॉर्मेट, रट्टा फिक्सेशन नहीं है, रटना नहीं है और अच्छी तरह समझना है प्लीज। नेम ऑफ द सप्लायर, अकाउंट्स टू बी क्रेडिटेड, इनवॉइस नंबर, LF, डिटेल्स, परचेज, CGST, SGST, IGST एंड टोटल अमाउंट। चलो जी अब एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर हम फर्स्ट ही ले लेते हैं या फर्स्ट की जगह सेकंड ले लेते हैं, फर्स्ट इलस्ट्रेशन की बजाय हम सेकंड इलस्ट्रेशन लेते हैं। देखिए प्लीज क्या है, देखो प्लीज हमने CGST SGST जो दे रखी है वो डियर स्टूडेंट 2.5% और 2.5% दे रखी है। किस चीज़ का बिजनेस है यहाँ पर, ये कह रहा है क्लोथ्स का, तो क्लोथ के अकॉर्डिंग हमने चलना है क्या क्या खरीदा और किससे खरीदा। तो सबसे पहले देखिए 4 अप्रैल को आपने माल खरीदा और किससे खरीदा, राधा कृष्णन एंड सन्स नई दिल्ली, राधा कृष्ण एंड सन्स नई दिल्ली। और आपने भी ये देखना है कि आपका बिजनेस कहाँ पर है, हमारा बिजनेस भी क्लोथ हाउस है वो नई दिल्ली में, तो नई दिल्ली की नई दिल्ली के अंदर है तो CGST SGST लगेगा और नई दिल्ली से बाहर होगा तो IGST लगेगा। हमने क्या खरीदा, 100 मीटर कॉटन क्लोथ्स, कॉटन क्लोथ्स खरीदा है और उसकी कीमत है वो दे रखी 200 रुपये। 100 मीटर कॉटन क्लोथ है, 200 मीटर रुपए के हिसाब से खरीदा तो हमारे पास 20,000 रुपए गए। उसके बाद हमने दूसरी चीज खरीदी 80 मीटर वूलन क्लोथ 500 के हिसाब से, 80 मीटर वूलन क्लोथ 500, 8×5=40, 40,000 हमारे से ये गए, ठीक है। तो टोटल अमाउंट जो होगा 60,000, इस पर हमें ट्रेड डिस्काउंट मिली है 20%, और ट्रेड डिस्काउंट की पुस्तक में कोई एंट्री नहीं होती, तो ये होगा 12,000, तो हमारे पास होगा 48,000 रुपये। 48,000 में CGST SGST कितना, 2.5%, एड CGST 2.5%, SGST 2.5%, 48,000 का 5% होता है 2400, तो 2.5% होगा 1200 रुपये ये और 1200 ये। अब देखिए 1200 ये और 1200 रुपये ये है तो टोटल अमाउंट कितना हो जाता है, ये 50,400। अब मैं बताऊंगा क्या पर, ये जो अमाउंट है वो तो लिखना है परचेज में, और CGST 1200 यहाँ लिखना है, 1200 यहाँ लिखना है, इसको छोड़ देना है, और इनका जोड़ ये आ रहा है वो लिखना है यहाँ पर। इज दैट क्लियर, बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपको। राधा कृष्ण एंड से नई दिल्ली से आपने 100 मीटर खरीदा है, कॉटन क्लोथ खरीदा है 200 का, 500 का, ट्रेड डिस्काउंट को घटा देते हैं और एड CGST और SGST अकॉर्डिंग टू। नेक्स्ट उसके बाद अप्रैल 12 को रघुवीर प्रसाद एंड कंपनी UP, अब देखो रघुवीर प्रसाद एंड सन्स UP, अब UP तो भाई दिल्ली से बाहर है, UP का अपना अपना स्टेट है, तो यहां पर वर्ड होगा IGST। क्या खरीदा, 50 मीटर क्लोथ खरीदा, वो खरीदा है आपने 600 के हिसाब से, 50 मीटर 600 के हिसाब से, और दूसरा जो खरीदा है वो खरीदा 40 मीटर 250 के हिसाब से, 6×5=30 और 25×4=10,000, 30 और 10 हो गए 40,000, 40,000 में ट्रेड डिस्काउंट है 10%, 10% ट्रेड डिस्काउंट घटा देंगे 4,000, तो कितना आ जाएगा 36,000, और 36,000 का 2.5% के हिसाब से 1800 रुपये 5% होता है, तो 900 रुपये के हिसाब से, तो यहाँ पर IGST तो पूरा का पूरा हो गया है 37,800, 36,000 यहाँ दिखा देंगे और इसमें 36,000 यहाँ दिखाएंगे और ये छोड़ देंगे, 1800 रुपये IGST में, टोटल 37,800। तो ये था दो कैंडिडेटों से जो आपने, उसके बाद देखिए 5 और 12 के बाद 20 और 25, 20 को देखिए चेयर खरीदी ऐसे जिसकी टू ट्रांजेक्शन नहीं होगी, और हम 25 तारीख को खरीदा हरिसंस एंड द बेबी गुजरात से, सप्लायर से खरीदा है, तो हरिसंस से जब खरीदेंगे तो जो गुजरात इसमें भी IGST वर्ड यूज किया जाएगा, और वो कितने तारीख को, 25 को, 20 की कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो 20 की कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगी, आपको नहीं दिखाना है 20 को, क्योंकि वो एसेट्स खरीदे और एसेट्स को हम इसमें शो नहीं करते हैं। क्या खरीदा आपने, 100 मीटर वूलन क्लोथ 600 के हिसाब से, 100 मीटर 600 के हिसाब से, तो कितना होगा, 60,000 रुपये हो गया है।
और 60,000 में देखिए यहाँ ट्रेड डिस्काउंट 15% दे रखी है, ये इसमें से लेस कर देंगे 9,000 रुपये, तो टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा 51,000। और फिर वही 5% IGST लगाई जाएगी, 2,550 रुपये, 51,000 रुपये इसमें लिख देंगे और 2,550 IGST वाले कॉलम में। फिर उसके बाद हमने टोटल करना है, जो भी टोटल आता है आपका, तो सबसे पहले जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है हमारा 1,35,000 इस वाले कॉलम का, दूसरे कॉलम का टोटल आ रहा है आपका 1,200 क्योंकि एक ही ट्रांजैक्शन हुई थी और इन दोनों में दो ट्रांजैक्शन हुई थी, तो 4,350 रुपये। और इसका 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 जोड़ देंगे या टोटल अमाउंट में जो यहाँ पर आ रहा था 53,550, इन अमाउंट को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आ रहा 1,41,750। तो ये था आपका टोटल, और इसको 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 भी जोड़ेंगे तब भी 1,41,750 ही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, एक सवाल हमने किया। अब देखिए मैं आपको सेल का एक फॉर्मेट समझा दूंगा, उसके बाद इजियर भी आप सवाल आसानी से कर सकते हैं, केवल उस फॉर्मेट को आप अच्छी तरह समझना और सेम डिट्टो परचेज की तरह ही सेल्स का ट्रीटमेंट आपने करना है। लेकिन जो चेंजमेंट होगा फिर बता देता हूँ चेंजमेंट क्या क्या हो रहा है अगर आप सेल बुक बनाते हैं तो, लेकिन परचेज की तरह ही बनेगा, डिट्टो ओनली चेंज क्या है, सुनो ध्यान से। फिर इधर चलो हम पूरा ही फॉर्मेट को और दोबारा से एक बार फिर बनाते हैं, वो क्या है सुनना ध्यान से प्लीज। स्टेट टू बोर्ड, हेयर इज द फॉर्मेट ऑफ सेल्स बुक। तो सबसे पहले फॉर्मेट ऑफ द सेल्स बुक आपने इसमें फॉर्मेट बनाना है, और सेल्स बुक का फॉर्मेट कैसे बनेगा। सेल्स बुक का फॉर्मेट ये लो भाई, सेम वही कॉलम डिट्टो 10 के 10 बनेंगे, कौन कौन से कॉलम देखिए 10 कॉलम हम मैं बना रहा हूं एक बार, और फिर उसके अंदर 10 कॉलम में क्या क्या लिखेंगे सुनना ध्यान से प्लीज। सबसे पहले डेट, नेम ऑफ द, वहां सप्लायर था तो नेम ऑफ द कस्टमर, यहां ग्राहक का नाम लिखना, जिस ग्राहक ने आपसे माल खरीदा है, कस्टमर, नेम ऑफ द कस्टमर, अकाउंट टू बी, वहां क्रेडिटेड था, यहां पे अकाउंट टू बी डेबिटेड, ठीक है। उसके बाद वहां भी वाउचर नंबर था, यहां भी आपका सॉरी इनवाइस नंबर था, तो यहां भी इनवाइस नंबर, बिल का क्या नंबर था जिसने आपने काट के दिया है उधार माल बेचने पर, ग्राहक से इनवाइस। LF लेजर पोली, उसकी प्रश्न संख्या क्या है, वो सेम। फिर उसके बाद डिटेल्स, विवरण, क्या क्या चीजें खरीदी हैं, डिटेल्स में यहां फिर परचेज था तो यहां आप सेल लिख देंगे डिटेल्स। उसके बाद है सेल, बिक्री क्या क्या हुई थी, वहां इनपुट वर्ड था तो यहां पे लिखना आउटपुट CGST, वहां इनपुट था, यहां पर आउटपुट SGST और आउटपुट IGST। परचेज के साथ इनपुट वर्ड होता है, सेल के साथ आउटपुट वर्ड होता है, और फिर उसके बाद टोटल। डियर स्टूडेंट, सेम डिट्टो उसी की तरह है, चेंजमेंट क्या आ रहा है फिर सुन लीजिए एक बार, चेंजमेंट जो हम क्या किया है, फॉर्मेट ऑफ द, एक बार आप समरी दिमाग में अगर घूम जाती है तो इजी बहुत ही क्वेश्चन, फिर तो फिर मल्टीप्लाई एंड राइट डाउन आर हियर, टॉपिक आर गिवन इन द मे बी दैट फॉर्मेट ऑफ सेल बुक, डेट, नेम ऑफ द कस्टमर, यहाँ पर ग्राहक का नाम, उसके बाद अकाउंट टू बी डेबिटेड, परचेज बुक में क्या था, दोनों को साथ लेके चलते हैं, फॉर्मेट ऑफ वहाँ परचेज बुक वर्ड, यहाँ सेल बुक वर्ड, दोनों का हो गया, डेट वहाँ थी, डेट यहाँ पर है, नेम ऑफ द, वहाँ पर सप्लायर था, यहाँ नेम ऑफ द कस्टमर,
अकाउंट टू भी वहां क्रेडिटेड था, यहां डेबिटेड है। इनवॉइस नंबर इज द सेम, LF सेम, डिटेल सेम, विवरण सेल वर्ड यहां पर, वहां परचेज वर्ड था, वहां पर इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST और टोटल, यहां पर आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट SGST एंड CGST और SGST। अगर फिर बता देता हूं, अगर स्टेट की स्टेट में है तो जैसे 18% है तो 9% यहां पर 9%, और स्टेट से बाहर है तो पूरा 18% यहां पर आएगा। और टोटल आर हियर, टोटल कितने का माल बेचा, कितना, जैसे फॉर एग्जांपल ₹1,00,000 का माल था, ₹9,000 ये लगे और ₹9,000 ये लगे, तो टोटल यहाँ पर ₹1,18,000। और अगर मान ली यही ₹1,00,000 का माल IGST है तो फिर सीधा 18,000 यहाँ पर, ₹1,18,000। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चंस कंप्लीटेड करने हैं। चलिए अपने होमवर्क की तरफ, दो बुक्स के क्वेश्चंस आपने कंप्लीटेड करने हैं, परचेज बुक और सेल्स बुक का। देखिए क्या है होमवर्क आपका। होमवर्क डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज रिगार्डिंग 1-4 परचेज बुक के और सेल बुक के क्वेश्चंस आपने अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करना है। फिर भी एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग ऑफ दिस प्लीज कॉन्टैक्ट माई व्हाट्सएप नंबर 9416586639। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, हैव अ गुड डे।